हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मैं मिस्सी की रोटी, यानी कि बेसन की रोटी। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, आइए मैं बता देती हूँ। उसके लिए मैंने 1 बाउल यानी कि 4 से 5 कप बेसन ले लिया है, और उसी का आधा यानी कि अगर हम 5 कप बेसन ले रहे हैं तो 2.5 कप हमें आटा लेना है। ये नॉर्मली जो आटा जो हम जिसकी रोटी रोज खाते हैं, यानी कि गेहूं का आटा। 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के समथिंग मैंने अजवाइन ली है। लाल मिर्च पाउडर भी 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब हमने ये तसला ले लिया है, तसले के अंदर अब हम ये बेसन डालेंगे। जो मैंने 5 कप बेसन ले रखा है वो मैं ऐड कर रही हूं। और इसी में हम ये आटा डालेंगे, वो हमने ऐड कर दिया है। इसी में मैं लाल मिर्च पाउडर अजवाइन नमक और प्याज ये सबको हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम खूब कर्रा कर्रा है जिस तरीके से हम पूरी का आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंद के बिल्कुल तैयार है, और जब तक आटा को हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं, जब तक मैं अपनी चटनी पीस लेती हूँ। चटनी किस तरीके से हम पीसेंगे, काय की पीसेंगे, चलिए आइए आपको बताते हैं। अब हम आपको लहसुन की चटनी बता रहे हैं। तो मिस्सी की रोटी यानी कि बेसन की रोटी से लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 2 ये टमाटर ले लिए हैं, उसको इतने छोटे छोटे जो किसी भी तरह के पीसेस में काट लीजिए। और 2 लहसुन की गांठी ले ली हैं, उसको भी मैंने उनके जवे कर लिए हैं। और ये जो मिर्च ली है मैंने, ये लाल मिर्च ली है साबुत, और आप हरी डालना चाहे, हरी से वो टेस्ट थोड़ा सा नहीं होता है, मगर इसमें जो होता है लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और ये 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, उसको भून लिया है, और 1 नींबू। अब हम ये ने मिक्सी का जार ले लिया है, इसके अंदर मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूं। इसके बाद ये जीरा भी हम ऐड कर देंगे। अब इसी में हम लहसुन को ऐड कर देते हैं, लाल मिर्च ऐड कर रही हूं, हमने 6 लाल मिर्च ऐड की हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर 1/2 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूं। इसी में फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और जार का ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पीस लेंगे। लहसुन की चटनी बिल्कुल मैंने बनके तैयार हो गई, मैंने मिक्सी में पीस ली है। अब इसी में ये 1/2 नींबू मैं ऐड कर रही हूं, जिससे चटनी में जो है थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। और अच्छे से हमें इसको 1 चम्मच से मिक्स कर देंगे। हमने मिक्स कर दिया है, चटनी बिल्कुल हमारी बनकर तैयार है। और आटा भी, आटे को भी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम उसके पराठे बनाने जा रहे हैं। आटे को मेरे 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके जैसे रोटी के पेड़े बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये ले लूंगी और हम बनाएंगे रोटी से, जैसे रोटी छोटी बनाते हैं तो इसको हम थोड़ा बड़ा लेते हैं।
अब देखिए सेम वैसे ही बेल रहे हैं जैसे हम अपनी रोटी या पराठा जो भी बेलते हैं, सेम वैसे ही बेल रहे हैं। थोड़ा मोटा बेल रहे हैं, रोटी हम बहुत पतली बेलते हैं। ये मेरा बिल गया है पूरा, और अब मैं इसको डाल दूंगी फ्राई पैन पे अपने। इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो अब मैं इसको पलट देती हूँ कि मैंने पलट दिया है, और इसको हम एक फॉक के उससे हल्के से दबा देंगे जिससे ये अंदर से भी खूब सिक जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हम रोटी सेकते हैं, इसको सेक लेंगे क्योंकि हम अगर पराठा बनाते हैं तो उसी में वहीं पर देसी घी डाल देंगे। और ये मैं रोटी भी बना के दिखाऊंगी और पराठा भी बना के दिखाऊंगी आपको। एक रोटी बना रही हूं मैं, और दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। रोटी हमारी सिक गई है, अब इसको हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अब इसी के ऊपर हम ये घी लगा देंगे क्योंकि गरम गरम जब रोटी होती है तो हम उसके ऊपर घी जल्दी जल्दी लग जाता है, तो अच्छे से हम इसको लगा देंगे। बेसन की रोटी यानी कि मिस्सी की रोटी बिल्कुल बनकर तैयार है, और टमाटर की चटनी और दही के साथ मैंने सर्व किया है। वैसे मैंने अचार भी रखा हुआ है, और इस आप अचार के साथ या खट्टी यानी कि इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और शुक्रिया दोस्तों।